तूफानी मूवीज और धुआंधार एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप जल्द आ रहा है प्ले स्टोर वेब और iOS पे। अगर मैं कहूं कि ईडन जू दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है तो ये गलत नहीं होगा। यहां आपको संसार के सबसे बेहतरीन और दुर्लभ जानवर मिलेंगे जो शायद आपने एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। मेरे दादाजी का एक सपना था दुनिया की सारी दुर्लभ पक्षियों और जानवरों को एक जगह एकत्रित करना। स्वागत है आपका ईडन वाइल्ड लाइफ जू में। ईडन की शुरुआत 50 साल पहले हुई थी ताकि विलुप्त तो हो रहे जानवरों को बचाया जा सके। जल्द ही ईडन आम लोगों के लिए खुलने वाला है ताकि हर कोई एंजॉय कर सके इस खूबसूरत जू के बर्ड एवियरी को, अफ्रीकन सवाना, एलिगेटर स्वैप्स और खासकर हमारे पूर्वज बंदरों को। तो हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए ताकि आप भी अपने मनपसंद जानवरों के बारे में जान पाएं। आप और आपका परिवार अपने आप को रोक नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास मनोरंजन के लिए काफी कुछ है, जैसे कि वॉल क्लाइंबिंग, नया वाटर पार्क और खासकर हमारा हाईटेक जिप लाइन जहाँ से आप हमारा पूरा पार्क देख सकते हैं। आज ही टिकट्स बुक कर लें। बी द फर्स्ट टू विजिट द जू। हमारे टिकट्स काउंटर आपके लिए जल्द ही खुल रहे हैं। ये सिर्फ एक जू नहीं है, ये एक एडवेंचर है। आखिरी दो बचे हैं, उन्हें वहाँ रखो जब तक हम इसे कंट्रोल ना कर लें। अगर हमें ये पता नहीं लग पाता है कि बीमारी क्या है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ये वो वायरस तो नहीं जो प्लैटिनम ज़ू में भी फैला था? ये रेबीज या फिर सीमियन वर्सेला हो सकता है। लेकिन ये बीमार तो नहीं लग रहे हैं। हाँ, जब तक हम चेक नहीं कर लेते कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर जॉर्डन, धड़कनें तेज हो गई। सभी दरवाजे बंद कर दो, बाकी सभी जानवर को खतरा हो सकता है। जल्दी कर दिया सर। इसे तो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। धड़कनें रुक गई हैं। तो हमें इंट्राकार्डियक एपिनेफ्रिन यूज करना होगा। सर माफ कीजिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इतने छोटे जानवर पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नियम की कोई परवाह नहीं, हमें इसे बचाना होगा। ये वायरस है जो हवा से फैल रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये वायरस है या कुछ और। ये बहुत अजीब है। अरे बाप रे,
कहाँ गया वो सैंडी? सैंडी 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 जाओ बेबी जाओ सैंडी। सैंडी और कोई चारा नहीं, उसे बेहोश करना होगा। सुनो एक काम करो, तुम कर क्या रही हो? यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश। इधर आ रूबी, रूबी वापस आओ। जी कॉलेज इंटर्नशिप के लिए आपका ईडन वाइल्ड लाइफ जू में स्वागत है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर एलन रॉजर्स। 50 साल पहले मेरे दादाजी ने इसे विलुप्त हो रहे पशुओं के संरक्षण के लिए बनाया था। हमारी कोशिशों की वजह से कई दुर्लभ जानवर जैसे मगरमच्छ और भेड़िये को आज यहाँ। मुझे भीमा से मिलना है। स्वीटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मम्मी को काम के वक्त परेशान नहीं करते। सॉरी, बेटी का भी ख्याल रखना पड़ता है, मैं अकेली माँ जो ठहरी। कैलिफोर्निया कॉन्डर है क्या? हमारे पास अफ्रीकन शेर, जंगली बंदर, जंगली सुअर और जिराफ है। तुम्हें बस बहाना बनाना है। तुम जानते हो कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज इस बेकार से चिड़ियाघर में हूँ। और क्वींसलैंड के भालू। भालू मुझे पसंद है। ब्रैड को कह देना कि मेरी माँ फिर पागल हो गई और मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक चीज जो हमारे पास नहीं है वो है अनुशासनहीन स्टूडेंट्स। हे, मैं बात कर रही हूँ। पता है, हम सब ने सुना ये बहुत ही महंगा फोन है जो तुम्हें इंटर्नशिप के खत्म होने तक मिल जाएगा, और ये बात तुम सबके लिए है। चलो लाओ दो, जल्दी करो। क्या मजाक है। थैंक यू। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं आज के इंटर्नशिप पे, तो जब ये जू पब्लिक के लिए खुलेगा तो तुम ये कर सकते हो। अभी ये प्राइवेट क्लास के लिए खुले हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारे कोई भी सीक्रेट सोशल मीडिया पर अपलोड हो, इसीलिए इधर लाओ। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे हाथ काट दिए हों। वो ज्यादा बेहतर होता। स्टॉप आ गया। सॉरी, आराम से। मेरा नाम रिकी है, मेरे को बर्ड्स का जू बनाने का है। अच्छा ख्याल है। क्या मुझे निकालकर इस लड़के को रखने वाली हो? नहीं, ये यहाँ इंटर्नशिप के लिए आए हैं। लेकिन मुझे इंटर्न की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जू को तो चाहिए। तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारी इनकम इन्हीं की वजह से होती है। तो चलो फिर। यहाँ उड़ने वाला डायनासोर मिलेगा क्या? और वो पंख वाला ड्रैगन जो पिक्चर में देखा था? हमारे पास लगभग सभी पक्षियाँ हैं सिवाय पैट्रिज के। उनसे कोई तकलीफ है क्या? हमें तो नहीं।
फिर बाकी बर्ड्स को हो सकती है, है? क्या ये नए इंटर्न्स हैं? हाँ, चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। अभी वक्त नहीं, लैब जा रहा हूँ, वहाँ कोई अलार्म बजा है। कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अगर डॉक्टर जॉर्डन के हर अलार्म पर हम लोग ऐसे ही चिंता करने लगे तो हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ हो तो मुझे बताना जरूर। पक्षी अनमोल होते हैं, हम उन्हें यहाँ अलग सुरक्षित रखते हैं बाकी जानवरों से दूर। इनमें से कुछ तो इस दाने पे अकेले बचे हैं। है? अच्छा? मुझे देखना है ये खाते क्या है। अगर उछला बन नहीं क्या तो शायद तुम्हें ही खा जाए। तो एमी, तुम्हारे जैसी एक यंग और मॉडर्न लड़की आखिर जगह पे क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा। नहीं होता, उसने हमारे फोन छीन ले, मेरी मॉम तो पागल हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम एक मेजर हो। मैं हूँ, लेकिन मुझे गरीबों से नफरत है और बच्चे पसंद नहीं। एक यही काम बचा था। क्या क्या कहा? हमारा इंटर्न सुपरवाइजर यही होना चाहिए था। हाँ, अगर मेरे पास फोन होता तो उसे कॉल कर पाते। ठीक है, बहुत हो चुका अब ये नाटक। मैंने तो बस अपनी बात रखी है ना। हाँ, उस बात को राज रखने के लिए शुक्रिया। क्या मेरे लिए यहाँ पर साइन कर दोगी? अगर जय या किसी और को पता चला तो मुझे वो इस ग्रुप से निकाल देंगे और मेरी मॉम तो मुझे नहीं छोड़ने वाली। वैसे तुम यहाँ आई किस लिए हो, बता सकती हो? मान लीजिए कि मैंने गलत वक्त पर किसी गलत पुलिस ऑफिसर पर अपना आपा खो दिया। एक बार फिर शुक्रिया ये सब अरेंज करने के लिए। नहीं 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 नहीं, अपनी दादी को शुक्रिया कहना चाहिए। मेरे सबसे बड़ी डोनर की पोती के लिए इतना तो बनता है। मॉम, हम भीमा को देखने कब जाएंगे? बस हम वही जाने वाले हैं, चलो। ठीक है, अगर जय नहीं आया तो मुझे इससे इन्फॉर्म करना, ठीक है? या फिर आप मेरा फोन उठा दो। अच्छी कोशिश थी। हिटलर कहेगी। ओह हेलो, आ लिए तुम? सॉरी, मैं जरा वो झाड़ों को पानी दे रहा था भाई। और तुम में से कौन सा विद्यार्थी इन जंगली सुअरन ने खाना खिलावेगा? मैं खिलाऊंगी इसे। क्या हुआ? देखकर लगता नहीं कि तन्ने गंदा होना पसंद है। हाँ, तुम्हें भी देख के लगता नहीं कि तुमने कभी लड़कियों को ऐसे देखा होगा। स्वीटी स्वीटी, जरा संभल कर रहना। हाँ ठीक है, वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। भीमा हाय बोलो। हाय भीमा। हाय। क्या एक क्रॉस रिवर गोरिल्ला है? हाँ सही कहा, पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही बच्चा है। और ये आपकी बेटी से बात भी करता है। हाँ, भीमा और रिया साथ ही बड़े हुए हैं। मैं चाहती थी कि वो अपनी उम्र के किसी को दोस्त बनाए, पर सोचा नहीं था कि वो एक गोरिल्ला होगा। जरा देखो इन्हें। ए जे, लगता है उन्होंने तुम्हें मेरे गले डाला है। जी सर, मैं जानवरों के बारे में सब जानना चाहता हूँ। वो कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं। पहले जानते हो पोटी कैसे करते हैं?
मोजे अच्छे हैं। चलो बेटा अब भीमा के सोने का वक्त हो गया है। बाय भीमा। बाय भीमा। हमारा जू काफी सेफ है, यहाँ ज्यादा इंसान नहीं है, इसीलिए हमारे जानवरों को भी यहाँ कैद रहने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरा भी ये मानना है कि एक ओपन जू जानवरों के लिए अच्छा होता है, ना कि एक पिंजरे वाला। तुम्हें गिनती आती है? बचपन में ही सीख लिया था। बहुत अच्छे। मैं चाहती हूँ कि तुम बेसमेंट में जाओ और वहाँ रखे गैस और मीथेन के सिलेंडर्स की लिस्ट बनाओ। गैस और मीथेन, ठीक है। और हाँ, अपने टाई को निकाल सकते हो। लेकिन मुझे ये पसंद है। पता है, मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ सिलेंडर्स गिनने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। बस पैसों का हिसाब करने तक रुक जाओ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम फैक्सेस भेजो, कोरियर की डिलीवरी रिसीव करो, फोन कॉल्स का जवाब दो। आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओके, खुल गया। तुम खेलो बेटा, जब तक मम्मी काम खत्म कर ले। हाँ? आपकी बेटी यहाँ रोज आती है? जब पास वाला प्ले स्कूल भी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हो तो कुछ सोचना ही था। और इस बहाने यहाँ जानवरों के बीच रहकर हम इनकी देखभाल और भी अच्छे से कर सकते हैं। वैसे ये मेरा भी स्टडी रूम है, मैंने कैप्टिव ब्रीडिंग थ्योरी पर PhD उसी इक्विपमेंट से की थी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी टेलीस्कोप से खेलूंगी। वो एक माइक्रोस्कोप है स्वीटी। तो आप एक साइंटिस्ट हैं, तो फिर यहाँ पर जू की मैनेजर कैसे बन गई? ताकि मैं जू को ठीक तरीके से संभाल सकूं। हमें चलना होगा। ओके, बाय स्वीटी। और भाई क्या हुआ? बोरिस क्या कर रहे हो? अरे काम कर तो है। ओह तुम बिजी हो। अरे क्या कर रहे हो चाइना? बोरिस उसे डराना बंद करो। अरे यार एक नंबर का पट्टू है, खासकर जानवर उसे। आई शपथ वो गोरिल्ला मेरे को पसंद करता। कैसी है वो? वो एक लड़का है रे। और ये है हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रॉजर्स। हेलो मैम। बोरिस। हाँ। तो मुझे बाहर जॉनी मिला था, वो डॉक्टर जॉर्डन के ऑफिस की ओर जा रहा था, सब ठीक तो है ना? मैं उसको एक फोन लगा के पूछता हूँ ना। थैंक यू। और रेक्स तो मुझे थोड़ी देर में लॉबी के बाहर मिलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शिकार है। वैसे भी यहाँ कुछ नए लोगों की जरूरत थी, हमारे यहाँ सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक कुत्ता ही है। क्या तुमने सुना? उसने तुम्हें कुत्ता कहा, काटो उसे। माफ करना, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। क्या वो एक जिप लाइन है? हाँ अभी बन रहा है, ये जिप लाइन यहाँ से जू की दूसरी तरफ जाएगा, हमारे फैमिली फन एडवेंचर का हिस्सा कह सकते हो। काफी अच्छा आइडिया है ना? उम्मीद करती हूँ कि इससे इनकम भी अच्छी हो जाए। रूल नंबर 1, एक सिक्योरिटी वाले को यहाँ शादी के कपड़े पहनना मना है। बिल्कुल, मैं सोचूंगा इस बारे में अगर मुझे कभी सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ा तो। इससे मिलो, ये है रेक्स। रेक्स यहाँ का हेड ऑफ सिक्योरिटी है। मैं जय हूँ, असली नाम गेज। कहीं तुम लेज़ली होगन तो नहीं? नहीं सर, वो लेज़ली नहीं है, मैं लेज़ली हूँ, लेकिन मुझे लीज़ी बुला सकते हो। माफ करना मैंने सोचा। कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है और मैं सोच रही हूँ आपके ख्याल बदलने की। सिक्योरिटी टू रेक्स, सिक्योरिटी टू रेक्स। लगता है इधर क्लिनिक में कुछ लोचा हो रहा है। अलार्म बजा दिया है लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। कॉपी दैट, हम आ रहे हैं। चलो मुझे सिचुएशन के बारे में बताओ। अलार्म बजना अभी भी बंद नहीं हुआ है। जॉनी ना वॉकी पे जवाब दे रहा है ना फोन उठा रहा है। तो फिर क्लिनिक के इंटरकॉम ट्राई करो, मैं डॉक्टर जॉर्डन को कॉल करती हूँ। सुनो बोरिस, तुम उनके असिस्टेंट रूबी को कॉल करो, पता करो वहाँ क्या हो रहा है। एलन हमें यहीं से पता चल जाता अगर हम सिक्योरिटी पर थोड़ा खर्च करते। अभी नहीं।
सिक्योरिटी टू वेट टीम, जवाब दो। मैं सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ, कोई है उधर पे? डॉक्टर जॉर्डन का फोन वॉइस मेल पर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो घर चले गए, वैसे भी डॉक्टर जॉर्डन मंडे को जल्दी निकल जाते हैं। तो फिर अलार्म किसने बजाया? लगता है कोई जानवर बाहर निकल आया है। हाँ, तुम्हें तो वही सूझेगा ड्रामेबाज। सुनो, मुझे नहीं लगता कि कोई जानलेवा जानवर डॉक्टर जॉर्डन के क्लिनिक से निकल सकता है, क्योंकि वो वैसे भी छोटे बंदरों का इलाज करते हैं। अब नियम के अनुसार अगर पहली यूनिट जवाब ना दे तो कम से कम 5 गार्ड्स को साथ ले लेना चाहिए। ये बुद्धिमान कौन है? ये मेरा इंटर्न है, जिसे मैंने गैस सिलेंडर गिनने का काम दिया था। शायद मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि मैं यहाँ सारे काम सीख लूंगा जिसमें सिक्योरिटी भी आती है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जीते, लेकिन वापस आने के बाद तुम फ्रिज साफ करोगे। हमारे अंदर जाने पर आप अकेले हो जाओगे, चलेगा ना? ये एक जू है, ना कि जुरैसिक पार्क। तो तुमने पहले कभी सिक्योरिटी का काम किया है? बिल्कुल, मैं पिछली बार एक जूनियर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड थी। मुझे कुछ अलग करना था, लेकिन उसके बाद मैंने बच्चों से तौबा कर ली। बच्चे ज्यादा शरारती थे क्या? नहीं, लेकिन उनके माँ बाप थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कम से कम जानवर इंसानों जितने बुरे नहीं होते। ऐसा क्या? इसे वाइल्ड लाइफ ऐसे ही नहीं कहते। याद रखना, हम जानवरों को इंसानों से बचाते हैं, ना कि इंसानों को जानवरों से। हाँ गुरुजी। लगता है जॉनी इधर आया था। ए जॉनी! सिक्योरिटी टू वेट टीम, तुम सुन रहे हो? अच्छा सुनो, सिर्फ टेजर स्टिक रखना। बॉस, समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या? कुछ कह नहीं सकते, चलो। तुम्हारे बॉस ने हथियार लेने के लिए मना किया था। ये हथियार नहीं, बस एक एक्सेसरी है। बाकी औरतें रिंग्स पहनती हैं, मैं नहीं। ये नियम के खिलाफ है। इससे तुम भी सुरक्षित रह सकते हो। लेकिन तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। पर अब वक्त नहीं है। डॉक्टर जॉर्डन, कोई है? शायद वो लॉक करना भूल गए हों। ये तो लापरवाही है। बोरिस, अलार्म बंद करो। ठीक है, हो गया। अच्छा सुनो, अब तुम सीखोगे कि एक जू कैसे काम करता है। सुनो, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है उसके अनुसार ये जू के नियमों का उल्लंघन है। ना तो मैं सर्टिफाइड हूँ और ना ही मुझे इस टेजर का इस्तेमाल करना आता है, और तुम्हारे इंश्योरेंस वाले पागल हो जाएंगे अगर मुझे कुछ हो गया तो। क्या हुआ? चलो मेरे पीछे आओ। डॉक्टर को बाहर निकालो। डॉक्टर, ये हम हैं। अरे पापा, ये लॉक जाम हो गया है। तो तोड़ दो। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी खोलो, दबाओ। हाँ हाँ, अकेलो। तोड़ दो बोरिस, तुम कर सकते हो। खोलो उसे जल्दी। नहीं खुल रहा है। अरे धक्का दो। जॉनी, अब ठीक है। दरवाजे दरवाजे बंद करो। क्यों? जॉनी,
ये तो मर गई है। बंदर कहाँ है? जॉनी, उसने मुझे बचाने की कोशिश की, मुझे उसे अंदर नहीं लेना चाहिए था। सब मर गए, कोई नहीं बचा। डॉक्टर, काय झालं? क्या शोर मचा रहे हैं ये बंदर लोग? वो चिल्ला क्यों रहे हैं? बोरिस, आखिर जानवर क्यों झगड़ा करते हैं? क्योंकि हम उन्हें तंग करते हैं। एलन, तुम हो वहाँ? एलन, मैं अभी आई। डॉक्टर जॉर्डन मर गए हैं। क्या? सब मर चुके हैं। मर गए? सब के सब? बाकी लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, उनके यहाँ आने के पहले पूरा ज़ू तबाह हो जाएगा। लोग मर रहे हैं। मैं पुलिस को और उनके परिवार वालों को कॉल करती हूँ। इसके पहले कि इनका वायरस दूसरे जानवर को इन्फेक्ट करे, हमें इन बंदरों को ढूंढ के मारना होगा। नहीं, बस तुरंत वॉच टॉवर पर वापस आओ। पहले इन बंदरों का कुछ करना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इन्हें बंदर बुलाना चाहिए। इन्हें कुछ हो गया है, वो कुछ अलग। इस ट्रैकर के जरिए उन्हें ढूंढना आसान होगा। वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन विभाग की तरफ। तो मैं वहीं जाता हूं। और एवियरी का क्या? क्या मतलब? हमारे पास 37 दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां हैं वहाँ। अगर उन बंदरों ने उन्हें इन्फेक्ट कर दिया तो वो उड़कर बाहर निकल जाएंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि वो वहाँ ना पहुँच पाए। हम उन्हें देखते ही खत्म कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। रेक्स, हमारा फर्ज इन जानवरों की रक्षा करना है, ना कि उन्हें मारना। मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई और रास्ता है। ध्यान रखना,
और जल्दी करो। तुम ठीक हो? सब ठीक हो जाएगा। अफ्रीकन एग्जिबिट कितनी दूरी पर है? तकरीबन 1 किलोमीटर दूर। एमी भी वहीं पे है। मुझे चलाने दो। शायद हमें पुलिस का इंतजार करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, इसे हम देख लेंगे। अटेंशन, सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जू को अभी बंद किया जा रहा है और सभी क्लासेस को भी कुछ देर के लिए स्थगित किया जा रहा है। जू के दरवाजे हमारे कर्मचारियों और जानवरों की हिफाजत के लिए बंद किए जा चुके हैं। अटेंशन, सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जू को अभी बंद किया जा रहा है और सभी क्लासेस को भी कुछ देर के लिए स्थगित किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि किसी सुरक्षित स्थान में छिप जाएं जब तक कि हम अगली सूचना ना दें। अटेंशन, सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जू को अभी बंद किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि किसी सुरक्षित स्थान पे छिप जाएं जब तक कि हम अगली सूचना ना दें। चलो भाई सारे के सारे भीतर, मन्ने लग रहा अभी थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। चलो चलो, ज्यादा सोचो मत, चलो। कुछ तो गड़बड़ है। तुम कर क्या रही हो? तुम कर क्या रही हो? ए चुप, ए चुप। उस सायरन का मतलब एक खतरनाक जानवर भाग निकला है। भाग निकला, भाग निकला। चलो सब लॉक करना पड़ेगा। ये कब तक बंद रहेंगे? जब तक वो उस जानवर को पकड़ ना ले जो भाग निकला है। छोरी उतर वहां से जल्दी। भागो, भागो। चलो चलो, अरे पीछे की तरफ भागो। चलो अपना हाथ दो मुझे ऊपर। मुझे आपके स्टैंडर्ड सिस्टम की परवाह नहीं। नहीं, हम और नहीं रुक सकते। हम मर सकते हैं, साथ ही ये जानवर भी। ठीक है, जल्दी कॉल करो, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। मेरा बच्चा, बेटा, मम्मी ने कहा था ना कि काम के वक्त मम्मी को अकेला छोड़ दो। क्या जानवर हमें हर्ट करेंगे? कुछ बंदर भाग निकले। बुरे बंदर? वो बीमार हैं। जब मैं बीमार होती मैं तो बुरी नहीं होती, उन्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि उन बंदरों को भी पता है। वो भीमा को भी हर्ट करेंगे क्या? उसे बचाना नहीं पड़ेगा। बेटा, भीमा चाहता है कि मैं तुम्हें बचाऊं। ये उसने कहा? हाँ बिल्कुल। झूठी। तुम्हें प्ले रूम में जाना है, चलो।
शायद वो चले गए। चुप रहो, बंदर वापस आ जाएंगे। लगे बेशक मैं उसका सर उड़ाती हूँ। एमी, एमी, एमी तुम ठीक हो? एमी, एमी, नहीं 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 तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गई, लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहने कोई वाली। मदद करो प्लीज। रेक्स आ जाओ, तुम कहाँ हो? एलन, यहाँ लोग और जानवर दोनों मर रहे हैं, हमें बाहर से मदद कब मिलने वाली है? पुलिस ने मुझसे कहा है कि उन्हें CDC के लिए रुकना होगा, उसके पहले वो यहाँ आए। CDC की टीम निकल चुकी है, लेकिन वो दूसरे शहर से आ रही है और उन्हें कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, ये इन्फेक्शन पूरे ज़ू में फैल जाएगा। हम यहाँ और इंतजार नहीं कर सकते एलन। नहीं, चेरी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि पक्षीशाला सेफ है, कोई भी बंदर वहाँ नहीं आ सकता। अब सिर्फ बंदरों की बात नहीं रही, ये पूरे ज़ू को इन्फेक्ट कर रहा है और लिज़ी को लगता है कि ये उनके दिमाग पे असर कर रहा है। दिमाग पर? रेक्स प्लीज, बस वॉच टॉवर तक पहुंचो और हम यहीं रुकेंगे जब तक CDC नहीं आ जाती। और अगर रास्ते में मुझे कोई जानवर मिला तो? मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी कहूंगी, लेकिन उन्हें मार देना। मैं और लोगों को यहाँ मरते हुए नहीं देख सकती। हम काफी जाने खो चुके हैं। ठीक है रेक्स, सारे जानवर इन्फेक्टेड नहीं है, हमें इस ज़ू को किसी शिकार करने की जगह में बदलना नहीं है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुझे इन पर भरोसा नहीं है। वो हमें बचाएंगे। प्लीज चे, मेरे साथ चलो। ज़ू के बाहर सारे जानवरों में एक ट्रैकिंग चिप है, ये 2 पीले डॉट्स देख रही हो? वो जिराफ्स हैं जिन्हें हमने अभी मारा। तुम्हें मेरे साथ आना है या मैं जाऊं? इसका मतलब हम पक्षियों को भी ट्रैक कर सकते हैं। सभी को नहीं। एनी, वहां खतरा है। एवियरी बहुत बड़ा है, अगर उनमें से एक भी बर्ड इन्फेक्ट हुआ और यहाँ से उड़ गया। हाँ, पता है मुझे। सिर्फ पता होने और करने में बहुत फर्क है। अगर हम तेज भागेंगे तो वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। बेवकूफी मत करो एमी। अब तुम्हें उन पर भरोसा है, जा। एनी बचाओ! एक मिनट। रेक्स, उसका सर संभालो। मैं भी उन जैसा बन गया तो? नहीं, वो शायद इंसानों पर काम नहीं करता। लेकिन अगर वो करता हो तो मैं उन जैसा बनकर तुम पे हमला करके तुम्हें मारना चाहूँ तो? तो हमें तुम्हें पहले मारना होगा, ओके? माफ करना, मुझे भी नहीं मरना। कहाँ जा रही हो? हमारा सारा सामान ले गई।
जानवरों को बचाना है मॉम। बेटा मुझे भी नहीं पता कि हम उनकी कैसे हेल्प करें। टेलीस्कोप से। मेरे पास टेलीस्कोप नहीं है। तुम्हारा मतलब माइक्रोस्कोप? हाँ वही तो मैंने कहा। हैगफिश थ्योरी के अनुसार दुर्लभ जानवर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, या तो विलुप्त तो हो जाते हैं या फिर विकसित। लेकिन विकसित आखिर किस? हाँ वन स्पून और टू आओ। नहीं क्योंकि वैसे भी तुम बहुत स्वीट हो। थैंक यू मेरा बच्चा। हेलो ओ थैंक गॉड। हाँ मैंने यहां सभी लोगों को बोल दिया है कि जानवरों से दूर रहें, लेकिन और भी लोग हैं जो डरे हुए हैं। हाँ मैं अभी देखती हूँ। ओके हमारे पास दो टॉर्च, एक स्विस आर्मी नाइफ और दो गन जिसमें पांच गोलियां हैं। तुम्हारे वॉकी का क्या? वो तो रह गया जीप में जो इसकी गर्लफ्रेंड ले गई। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या फर्क पड़ता है किसकी गर्लफ्रेंड है? उसके कारण ना हम कहीं जा सकते हैं और ना ही एलन से संपर्क कर सकते हैं। नहीं 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 यहाँ थी फ्रेंडली है, देखा मैंने कहा था ना। लेकिन हम कैसे मान लें ये इन्फेक्टेड नहीं? हाथी का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, इसलिए उन जानवरों ने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। और अगर हम इनके साथ रहे? वो हमें भी अकेला छोड़ देंगे। तो चलो अपनी अपनी सवारी चुन लो। नहीं इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। ठीक है मैम आप शांत हो जाइए और बताइए कि क्या कोई कर्मचारी जू से निकला था? नहीं अब तक तो नहीं निकला। मैं चाहता हूँ कि सभी अंदर ही रहें, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैंने सभी को रुकने के लिए कहा है। नहीं 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 फोन मत काटिए, रुकिए। नहीं टैंगो ये ब्रावो टीम है, हमारी मिलिट्री टीम आ रही है। कॉपी दैट, हथियार चेक कर लो सब, हर एक कोना छान मारना। हम कह नहीं सकते कि हमारा यहाँ किससे सामना होगा। आंखें ऊपर, वो रहा वहां सामने। सभी सतर्क रहो, एक झुंड में चलो 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 चलो। तुम यहाँ से क्या देखने आए हैं? वो वहां क्या है? शायद मैंने कुछ सुना, हम आ रहे हैं। अगर मुझे सुन सकते हो तो वहां से अभी के अभी निकलो। ये क्या चीज है? मर नहीं रहा, कोई बचाओ मुझे। हम सेफ है ना? हाँ काफी सेफ। काफी का मतलब? अगर जानवर बाहर निकलना चाहे तो उन्हें रोकने के लिए गोलियां भी काफी नहीं। मैं जरा मिट्टू को देखकर आता हूँ। जैसा तुम चाहो। बाय।
क्या करने आया था और क्या हो रहा है यहाँ पे? रेक्स, आ जाओ रेक्स। वॉच टावर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? तुम जू के बाहर क्यों जा रहे हो? रेक्स, तुम नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। बाकी सब कहाँ है? जवाब दो। तुम पहले इस गेट को जल्दी से खोलो, मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो। एमी, रेक्स कहाँ है? अब तक वो मर चुका होगा और मैं भी मर जाऊंगी। दरवाजा खोलो। मैं वो नहीं कर सकती। हाँ, तुम कर सकती हो। सुनो, तुम दरवाजा खोलोगी? एमी, वहाँ से अभी निकलो। तुम मेरी मदद करोगी? मैंने कहा निकलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम दरवाजा खोलो प्लीज, जल्दी से। एमी, अभी निकलो। रहने दो, मैं गेट के ऊपर से चली जाऊं। एमी, नहीं। नहीं। के लिए इतना ही। नामुमकिन, यहाँ कोई जानवर होता तो मुझे दिखता। तुमने देखा क्या स्वीटी? रिया, क्या कहा? वालों को भी टी पार्टी में बुलाना चाहिए। ठीक है। मिस्टर कोआला, जानवरों के साथ नहीं खेला। जरा धीरे। कोई बात नहीं, वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहे हैं। सुनो रेक्स, मुझे पता है आज मेरा पहला दिन है, लेकिन मुझे प्रमोशन चाहिए। चाहो तो मेरी नौकरी ले सकती हो, मैं रिटायर हो जाता हूँ। क्या हुआ? पता नहीं। एवीरी में जाना आखिर कितना आसान है? वो एक बड़ा स्टील का पिंजरा है, काफी सुरक्षित। इस जगह जितना सुरक्षित? चलो निकले यहाँ से। अरे चलो, अब चलो भी, सब ठीक है। ये हाथी डरा हुआ है,
जमीन पर कुछ है क्या? जमीन पर नहीं, पेड़ों पर देखो। तुम सब ठीक तो हो? थैंक्स। तुमने उन पर किस चीज से हमला किया? एक रॉकेट गन है जो बच गया था इंडिपेंडेंस डे के बाद। तुम्हारे पास पैर गन या फिर गोलियां हैं? इन्हें जल्दी अंदर ले जाना होगा। आओ चलो चलो टोल, जल्दी एक साथ उठाना होगा। चलो अब। खिड़की के पास वाले टेबल पर लिटा दो। ठीक है, आराम से आराम से। तुम ठीक हो? एजे, दरवाजा बंद कर लो। तुम चाहते हो कि वो अंदर आ जाए? बिल्कुल नहीं। शायद इस घाव से इंफेक्शन फैल रहा है। मेरे साथ आओ, मेरे पास कुछ मलम और एंटीबायोटिक्स हैं यहाँ। भगवान का शुक्र है। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। बस जरा सा और। क्या मैं उन जैसा बन जाऊंगा? नहीं, फिक्र मत करो। बस अब तुम ठीक हो। रेक्स, बस थोड़ी देर और। ये दुखेगा लेकिन माफ करना। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें यहाँ 10 साल तक बांध कर रखें। आपको हमें यहाँ से निकालना होगा। और वो कब होगा? नहीं, 2 घंटे? नहीं नहीं प्लीज। रुको रुको रुको। क्या कर रही है मॉम? ये पता लगा रही हूँ कि आखिर ये जानवर क्यों बदल रहे हैं और इन्हें रोका कैसे जाए। जब तक उन्हें वो नहीं मिलता, वो नहीं रोकेंगे। क्या मिल नहीं जाता? सिंपल है, हमसे आजादी। क्या तुम और तुम्हारे वो पक्षी सुरक्षित हैं? हम ठीक हैं और ये बच्चा भी। किस्मत से यहाँ एक चूहे के अलावा कुछ भी नहीं आया और उसे भी इन पक्षियों ने छोड़ा नहीं। तुम्हें मालूम नहीं यहाँ सभी लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। क्या मैंने तुम्हें कभी गोरिल्ला पालना सिखाया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एवियरी को संभाल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें मालूम है कि खतरा अभी टला नहीं है। डैक्स, हम लॉकडाउन में हैं, हम कहीं नहीं जा रहे और ना ही यहाँ के पक्षी। मैं सब संभाल लूंगी। चेरी ने कहा है हेलो, और ये भी कि सारे पक्षी सुरक्षित हैं। हमारे पास क्या आने जाने के लिए बस यही है? और तो और ट्रैम ने काफी समय से इसे चलाया भी नहीं है। और उस जिपलाइन का क्या? एलन के ऑफिस से देखा था, वो वॉच टावर से गंगा ग्राउंड्स तक, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो जिपलाइन अभी तक नहीं बना, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें सेफ्टी के लिए अभी कुछ भी नहीं है। अगर उसका यूज किया तो सबके सब मारे जाएंगे। तो अब हम क्या करें? अब हम इंतजार करेंगे ताकि वो हमें आके मार डालें। तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है? संभल कर, उसमें धार है, हम उससे बम्बू काटते हैं। कम से कम ये हमारी रक्षा तो करेगा, जानवरों पे चिल्लाने से तो अच्छा ही है। हमें एवियरी तक पहुंचना होगा। लेकिन तुम्हारे पैर तो?
हम उन पक्षियों को कुछ नहीं होने दे सकते। चेरी चाहे कितनी भी जिद्दी हो, वो सब संभाल नहीं पाएगी। जो कुछ करना है हमें ही करना होगा। मैं जाती हूँ। अकेले जाओगी? क्यों नहीं। हे हे, सुनो मेरी बात, हमें साथ रहना चाहिए। जरा सोचो तो, हम यहाँ सेफ हैं, हमारे पास काफी खाना और पानी है, और खासकर हमारे पास। देखो वो हमारी तरफ आ रहे हैं। मुझे वहां जाना होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माफ करना लड़के, लेकिन ये मेरी सेंचुरी है और मैं जो चाहे वो करूंगा। डेक्स्टर, इसकी बात मानो मत जाओ। तुम नहीं समझ रहे, कोई नहीं समझ रहा कि भीमा सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं है, वो अपनी प्रजाति का आखिरी जानवर है जो इस प्लेनेट पे जिंदा है। मैं यहाँ खड़े खड़े उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। भीमा, भीमा, हे कैसे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो ना? ओह नो, भीमा इन्फेक्टेड हो गया है। आराम से, आराम से। एक वादा करो, कोई भी पक्षी या जानवर इस जू से निकलना नहीं चाहिए, समझ गई? लेकिन मैं नहीं। लेकिन वादा करो। वादा करती हूँ, तुम हमारे साथ आओगे। मैं नहीं आ सकता लिजी। तो यही रुको हमारे आने तक। ऐसा मत करना। मुझे करना ही होगा, तुम्हें भी अपना फर्ज अदा करना होगा। नहीं, ठीक है, तुम जाओ। नहीं इस तरह। लेकिन हम लोग तो यहाँ से आए थे ना। मैं इसे और नहीं रोक सकता, निकलो यहाँ से। हम लोग घिर चुके हैं। चलो जल्दी, चलो चलो। चलो जल्दी करो, अब यहां से कैसे निकले? वो उस तरफ से। चलो जल्दी करो। Thank you.
चलो चलो जल्दी यहां से। चलो अब निकलते हैं। वो जगह सुरक्षित है? मुझे जानवर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो छुपे हुए हो सकते हैं। तो अभी तक का इंटर्नशिप कैसा रहा दोस्तों? तुम कभी कॉलेज गई हो? हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। आखिर अपने साथ ऐसा क्यों किया? अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बनाना। हमेशा से अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए सिक्योरिटी ज्वाइन की। लोग अक्सर मुझे देखकर अवॉइड करते थे। मैं नहीं चाहती कोई मुझे पसंद करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पसंद करता हूं। नहीं, नहीं करते। हाँ ठीक कह रही हो। देखो मेरी मदद करो। मैंने रेक्स से वादा किया था इस जू से कोई भी जानवर बचकर निकल ना पाए, खासकर पक्षी। हमें उन्हें मारना होगा। लेकिन वो सिर्फ पक्षी हैं। लेकिन वो इन्फेक्टेड हुए तो? इसलिए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद अगर वो मरे हुए इन्फेक्टेड जानवरों को खाने लगे तो? इस हिसाब से तो हमें दुनिया के सारे जानवरों को मार देना होगा। अगर ये जानवर बाहर गए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। सुनो, सुना तुमने? क्या वो पुलिस है? वो एमी है। चलो एमी, 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 एमी। एमी, 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 रुको, एमी, रुको, रुको, एमी, प्लीज, रुको, एमी, एमी। मुझे अपने मॉम के पास जाना है। एमी, मेरी चिंता हुई, प्लीज। नहीं, नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एमी। जाए उसने चाहे हमें पीछे छोड़ दिया, लेकिन कम से कम वो लौट कर आई। हमें उसे कार से निकालना होगा। हम उसे बाद में दफनाएंगे। लिजी बोल रही हूँ, आप कहाँ हैं? लिजी तुम कहाँ हो? रुको मुझे अपने फोन पर आने दो। चलो रिया, हम गोरिल्ला सैंक्चुरी के पास हैं। हालात ठीक नहीं है। तुम यकीन भी नहीं करोगी यहाँ क्या क्या हुआ है। रेक्स कैसा है? माफ करना एलन, रेक्स अब नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे इंट्रेंस को लेकर यहाँ से निकल जाओ। गेट के पास पहुंचकर मुझे कॉल करना, मैं उसे खोल दूंगी। और पुलिस कब आएगी? मुझे परवाह नहीं, मैं और नहीं रुकने वाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे अरेस्ट भी कर लें, लेकिन मैं सबको यहाँ से निकालूंगी। मैं एवियरी जाकर चेरी और रिकी को यहाँ लाती हूँ। एक सेकेंड लिजी,
तुम आखिर हो कहाँ? गोरिल्ला सेंचुरी, ये सुरक्षित है? नहीं, इस ज़ू में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। निकलो अभी वहाँ से, जीप में बैठो। एलन, क्या हुआ? एलन, तुम्हारे चारों तरफ, निकलो वहाँ से। निकलो, हम मुसीबत में। मैं चलाऊंगा। शिट, जय, ये लो। मुझे ये चलाना नहीं आता। तो चलाना सीखो। एक गोली गिर गई। लीजी, लीजी, मिल गई। क्या बात है? शाबाश। चलो, मैं एक रास्ता जानता हूँ। एलन, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें पता है एवियरी कितना सुरक्षित है? मैं इन जानवरों को बाहर मरने के लिए खुला नहीं छोड़ सकती। सुनो चेरी, हम सब मारे जाएंगे अगर वो पक्षी भी इन जानवरों की तरह इन्फेक्ट हो गए तो। मैंने एक भालू के ब्रेन का टेस्ट लिया जिसने रिया पर हमला किया, और उसके ब्रेन कॉर्टेक्स में एक ऐसा एंजाइम देखा जो मैंने कभी नहीं देखा। मैं इन सैंपल्स को सीडीसी में पहुंचाने जा रही हूँ। और चेरी, मैं चाहती हूँ कि तुम पक्षियों को छोड़ दो और मेरे आने तक कहीं नहीं जाना। हुआ क्या? हुआ क्या? पक्षियाँ, एलन चाहती है कि मैं पक्षियों को छोड़ दूँ। तो आप करें क्या? तो आप करें क्या? मैं ऊपर की छत खोल सकती हूँ। हम अक्सर ये साफ सफाई के वक्त करते हैं। क्या मैं मदद करूँ? मदद करो, मदद करो। शट अप। अरे, पहले इसको आजाद करना चाहिए। आजाद, आजाद। चलो, तुम इसे यहाँ छोड़ सकते हो। चल मिट्टू, तू इधर ही रुक। दोस्तों, रुक जा। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें एवियरी तक पहुंचना होगा। हम लोग समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, हम पहुंच पाएंगे। नहीं, नहीं पहुंच पाएंगे। शांत हो जाओ। नहीं, वो पक्षी भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और यहाँ से निकलकर हम सबको मार देंगे। सुनो, वो क्या है? कुछ बड़ा। चुप जाओ। निकलना होगा। ये सब पक्षी इतना बेकना क्यों ताड़ रहे? मुझे नहीं पता, शायद किसी चीज से दूर भाग गए हैं। मुझे पता था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने छुट्टियों पर हवाई में इस्तेमाल किया था। लेकिन रेक्स ने कहा था कि ये पूरी तरह तैयार नहीं है। काफी है, देखो यहाँ पर हुक भी लगा है। और वो बॉडी हार्नेस कहाँ है? हमें बस कसकर पकड़ना होगा, समझ गए? बाप रे, ये तो बहुत ऊपर है। देखो यहाँ से थोड़ी ही दूरी है, हम आराम से झूलकर पहुँच जाएंगे। बस वॉच टावर पर नजर रखना जब तक हम पहुँच ना जाएं। मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर इनका खाना बनो। चलो। Ah!
कसके तुम ठीक तो हो ना? चलो उठो, यही रुको और हिलना मत, जल्दी अंदर आओ दोनों, अभी जल्दी आओ, हमें चलना होगा, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो। गैरेज से बाहर जा सकते हैं। अगर वो नीचे हुए तो हम उन्हें पहले मार देंगे। याद है मैंने तुम्हें उन सिलेंडर को गिनने भेजा था? तुम्हें उसकी पड़ी हुई है? नहीं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट। जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बेसमेंट तक पहुंचना होगा, जल्दी करो। जितना उठा सकते हो उठा लो। सुनो, जब सारे पक्षी निकल जाएंगे हम उन सिलेंडरों का इस्तेमाल करेंगे। तुम एवियरी को आग लगा दोगी क्या? क्या कोई और रास्ता है? या तो वो रहेंगे या हम। मेरे दादाजी बहुत निराश होते। वो नहीं होते, तुम ठीक कर रही हो, तुम हमें बचा रही हो। वो देखो, मैं एलेन बोल रही हूँ, कोई है वहाँ? कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद पक्षियों को खुला छोड़कर चले गए हैं। सुनो, तुम रिया के साथ रुको। मम, नहीं। बेटा, मुझे ये देखने जाना होगा कि बर्ड वाली आंटी ठीक है या नहीं। नहीं, तुम नहीं, हम जाएंगे। अगर कुछ हुआ तो आप एवियरी को आग लगा सकती हैं। इसके बावजूद कि तुम अंदर हो। रुको, अगर वो बंद हुआ संभल कर जाना। अगर कुछ भी हुआ तो वादा करिए आप एवियरी को आग लगा देंगी। कोई है अंदर? बताओ। वो रिकी है। चलो रुकी। रुकी, तुम कहाँ हो रुकी? सारे पक्षी कहाँ हैं? वो तो पिंजरे तोड़ देंगे। कुछ भी हो जाए अंदर ही रहना। Get out!
बचाओ। उसने मुझ में घोंसला बनाया, उसने मुझ में घोंसला बनाया। Oh my God! उसने मुझ में घोंसला बनाया। हमें यहाँ से निकलना होगा। दादाजी, मैंने बहुत कोशिश की। I'm really sorry. बढ़िया, अच्छा लगा है ना? ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो धुआं है। एलेन ने आग लगा दी। आग उन तक वक्त रहते नहीं पहुंचेगी। ट्रक को एवेरी के जितने पास रख सकती हो रखो। क्या? बस करो, प्लीज भरोसा रखो। क्या कर रही हो तुम? अपना वादा पूरा कर रही हूँ। मुझे वो खुश नहीं लग रहा है। चलो भागो, जल्दी करो, निकलो यहां से, भागो।
जल्दी करो। चलो। ठीक है हम ऊपर चढ़ सकते हैं एक एक करके। जय तुम उनकी मदद करो। निधि बस जाओ। निधि नहीं 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 मेरे दादाजी ने मुझे बड़े यकीन से ये जू दिया था। मैंने सब बिगाड़ दिया। अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ जानवरों को बचाना चाहती थी। और आपने वो किया मॉम। वो कैसे? हमें बचाकर। उसके लिए तुम्हारे दादाजी को तुम पर गर्व होगा। हाँ मैं उम्मीद करती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कभी उड़ पाऊंगी। तो सीख लो।